हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, आज आपके लिए जो है एक जैकेट लेकर आई हूँ। बहुत छोटी सी जैकेट है, स्कर्ट के ऊपर जैकेट पहनी जाती है इस तरीके की। आप देखते होंगे एक डेनिम में या बाकी जो जगह उस पे चीज़ों में, तो उसी तरीके की एक जैकेट मैंने छोटी सी बनाई है। ये जो है 3 से 4 साल के बच्चे के लिए मैंने बनाई है। तो बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से बनाएंगे। देखिए, बैक साइड ये इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देखिए। और फ्रंट इसका ये है। तो देखिए, हार्डली 70 ग्राम्स में बना हुआ है। 3 से 4 साल के बच्चे के लिए है ये, और बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए फिर देखते हैं कि कैसे बनाएंगे इसे हम। ये स्कर्ट बनाई थी मैंने, इसके लिए काफ़ी फरमाइश आ रही है कि स्कर्ट के ऊपर जो हम टॉप टाइप छोटा सा या जैकेट टाइप पहनते हैं वो बता दीजिए। किसी ने पिक भी भेजी थी मुझे, तो अभी मैं आपको वो बताने जा रही हूँ कि इस जो स्कर्ट के ऊपर, ये जो मैंने स्कर्ट आपको बताई थी, इसके ऊपर आप किस तरीके से जो है टॉप बना सकते हैं। तो देखिए, करना क्या है आपने। अब ये जो मैंने है 3-4 साल के बच्चे के लिए बनाया था, तो उतने ही साल के बच्चे के लिए मैं बताऊंगी। बाकी आप छोटे या बड़े के लिए फंदे अपने हिसाब से जो है कम और ज़्यादा कर सकती हैं। अब देखिए, जो 3 से 4 साल के बच्चे के लिए मैंने जो है फंदे 100 जो है 40 फंदे डाले हैं, 70-70 के हिसाब से, 70 फ्रंट एंड 70 बैक। अब आपने अगर छोटे बच्चे के लिए, 1 साल के बच्चे के लिए बनाना है या 2 साल, तो आपने 66 66 यानी कि 132 फंदे डालने हैं। अब देखिए, वो 140 फंदे डालने के बाद मैंने जो है एक पूरी सीधी लाइन बनाई है। अब उसके बाद क्या करना है, क्योंकि जिसने जिन्होंने फ़ोटो भेजी थी उसकी, उनको ही बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से जो फ़ोटो उन्होंने भेजी थी वो कैसे बना सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, पहला फंदा तो उतरेगा, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा। ये तो लाइन ऐसे ही जाएगी जैसे हम पट्टी बनाते हैं उसी तरीके से। अब धागा आगे करके आपने करना क्या है, क्योंकि उसमें डिज़ाइन डाला हुआ है, तो आपने ये देखिए दोनों फंदों के बाद आपने इस तरीके से डालना है ऐसे, और फिर इन दोनों को धोखा एक कर देना है। ये डिज़ाइन ऑलरेडी वैसे मैंने अपने चैनल पर बताया हुआ है आपको। ये देखिए, ये दोनों में डालेंगे, धोखा एक कर देंगे, फिर अगेन ये दो के बाद ऐसे, फिर आपने निकाला, फिर डाला इसमें और दोनों को इकट्ठे बुन दिया। तो अब आपने पूरी सिलाई जो है आप देखेंगे इसी तरीके से बनानी है। ये देखिए ऐसे बना है, अगेन ये दो के बाद ऐसे इस तरीके से, और फिर ये डाला और निकाला। अब पूरी लाइन ऐसे करेंगे, लास्ट में सिर्फ हम 4 फंदों में जो है थोड़ा जैसे हमने स्टार्टिंग में किया है वैसे ही लास्ट के 4 फंदों में करेंगे। अभी आप फिलहाल लास्ट के 4 फंदों तक इसी तरीके से करते हुए जाएंगे। अब ये देखिए, लास्ट के 4 फंदे हैं, 4 फंदों को आप ऐसे करोगे, ये आपका एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। उल्टा धागा आगे करके एक सीधा, धागा अपनी तरफ एक उल्टा, धागा आगे ये सीधा, इस तरीके से। अब पलट के देखिए क्या करना है आपने। ये 4 फंदे तो हम उल्टे बनाएंगे, एक ये उतारा, 2 3 4, उल्टी तरफ से हमने जो है, उल्टी तरफ से हमने जो है इसे उल्टा बनाना है। अब फिर से वही प्रोसीजर करूँगी, ये आपको दिख रहे हैं 2, इस तरीके से इसके सेंटर में डालूँगी, ऐसे निकालूँगी और अगेन जो है दोनों में से डाल के 2 का 1 कर दूँगी। जो उस साइड से किया था वही हम इस साइड से भी एक बार और करेंगे। ये डाला, ये निकाला, अब आपने इसमें से डाला दोनों में से और फिर निकाल दिया। देखिए ये देखिए, डाला और ये निकाला, इसमें डाला, ऐसे निकाला, फिर इन दोनों में डाला है, डालना है आपने ऐसे करके और निकाल लेना है। अब ये पूरी लाइन फिर से वही होगी, लास्ट के 4 फंदे उल्टे बनेंगे। ये डाला इस तरीके से, इसमें डाला और निकाला,
अब लास्ट में जो है आपने चार फंदों को उल्टा बनाना है। अब ये लास्ट के और स्टार्ट के फंदे सीधा और उल्टी तरफ इसी तरीके से रहेंगे। ये देखिए बनाया आपने, अब ये देखिएगा ऐसे आया है अभी आपका। अब ये लाइन पूरी सीधी जाएगी और इसकी अगली लाइन हम फिर से सीधी करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ये तो वही है स्टार्टिंग के जो चार फंदे हैं, ये उतारा, एक फंदा उल्टा, एक सीधा एंड अगेन एक उल्टा, ये तो ऐसे ही जाएगा, ये ऊपर तक इसी तरीके से जाएगा। अब ये सारे फंदे हम पहले सीधे बनाएंगे ऐसे, ये देखिए, और इसकी अगली लाइन हमने इसे सीधा ही करना है, तब ये एक अच्छा सा लुक आएगा इसका। तो देखिए ये सारी लाइन अभी पहले मैं सीधे करूँगी इस तरीके से। अब लास्ट में भी आपने देखिए चार फंदों में एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और ये लास्ट का सीधा। अब उल्टी लाइन में देखिए हमने ये चार फंदे तो पहले उल्टे बनाऊंगी, एक दो तीन चार, ये उल्टे बनाए आपने, बाकी सारे मैं इस बार सीधे बनाऊंगी। वैसे तो ये उल्टे तरफ है, ये मैं सारे सीधे बनाऊंगी इस तरीके से और लास्ट के चार फंदे उल्टे बनाऊंगी। ये देखिए लास्ट के चार फंदे उल्टे बनाएंगे, लास्ट और स्टार्टिंग के जैसे मैंने बताया वो ऊपर तक वैसे ही करते हुए जाएंगे। अब देखिए इस तरीके से आया है, अभी दिखा देती हूँ आपको, ये आया है देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन नीचे बनाया है ये। अब हमने इसे नॉर्मल बनाना है, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी, लास्ट और स्टार्टिंग के जो चार चार फंदे हैं वो एग्जैक्टली ऐसे ही बनेंगे, बाकी हमने एक पूरी सीधी करनी है और एक पूरी। मुझे इस तरीके से चाहिए, अब इसे सीधे नॉर्मल ही बनाएंगे। देखिए या ये तो जो स्टार्टिंग और एंड है वो तो वैसे ही बनेंगे, ये उतारा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ये देखिए तो इस तरीके से ही आएगा। अब हमने ये सारी लाइन सीधी करनी है और लास्ट में जैसे बताया वैसे ही करना है। अब जस्ट एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी करते हुए हम अब ये देखिए ये 11 सेंटीमीटर तक मैंने इस तरीके से बना लिया है। अब आपने क्या करना है, अब हमें इनको जो है अलग अलग करना है। अब कैसे करना है, देखिए 40 फंदे थे, 70 फ्रंट के हैं, 70 बैक के हैं, लेकिन 70 फ्रंट के क्या है कि हमें इस तरीके से लेना है, ये फ्रंट और वो फ्रंट। तो हमें करना क्या है कि 70 को मैं 35 यहाँ लूँगी, 35 यहाँ लूँगी, बाकी बैक के लूँगी। अब पहले तो मैं देखिए क्या करूँगी, यहाँ से 35 फंदे जो है हम बना लेंगे इस तरीके से करते हुए ऐसे, ये तो जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। ये उतारा, एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, और बाकी फंदे हमारे सीधे जाएंगे, ये चार हो गए। अब ये देखिए ये 35 फंदे बन गए हैं, फिलहाल इन्हें नहीं बनाऊंगी, अब मैं बैक साइड जो है पहले बनाऊंगी। तो देखिए बैक साइड किस तरीके से हम करेंगे, अब यहाँ से ये 70 फंदे लेने हैं, तो पहले 70 के मैं यहाँ पे जो है फंदे, चार फंदे यहाँ घटाऊंगी और चार फंदे यहाँ घटाऊंगी, तो 70 में से आपने 8 फंदे निकाले तो आपके पास बचे 62 फंदे। 62 फंदे में से सेंटर के चार फंदे के आसपास मैं थोड़ा सा डिज़ाइन डालूंगी, तो 62 में से जब आप चार फंदे निकालते हो तो आपके पास बचते हैं 58 फंदे। 58 को आपने आधा आधा करना है, तो मेरे पास जो है यहाँ 29 होंगे, यहाँ 29 होंगे। अब देखिए करूँगी कैसे, पहले ये चार फंदे पहले मैं बंद करूँगी इस तरीके से, एक बनाया, दूसरा बनाया, ये आपने इस पे से डाल दिया, एक दो तीन चार, ये डाला आपने इस तरीके से। अब यहाँ से 29 फंदे इसको लेकर, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह
पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस और उनतीस। 29 फंदे मैंने इस तरीके से बनाए हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेंटर में डिज़ाइन डालूँगी, जाली धागा अपनी तरफ करके जाली बनानी है और इन दो फंदों को आपने इस तरीके से ऐसे दो का एक करना है ये। फिर ये जो दो फंदे हैं इन्हें आपने इस तरीके से इस साइड से ऐसे इस साइड से दो का एक करना है। आप थोड़ा उतार के कीजिएगा ताकि ये थोड़ा सा अच्छा इसका जो है इफ़ेक्ट आए। ये देखिए ये उतारा आपने और इस तरीके से दो का एक किया। अब यहाँ हमने जाली डालनी है तो धागा अपनी तरफ करके 29 फंदे फिर से सीधे बनाऊंगी। 29 फंदे, एक, दो। देखिए ये तो 29 फंदे वो थे जो हमने यहाँ पे रखने थे, तो चार फंदे और बनाने हैं, एक, दो, तीन, चार। ये चार फंदे हमने उल्टी साइड से घटाने हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 35 फंदे होंगे। अब पलट लीजिए यहीं पे। अब हमें फ्रंट साइड फिलहाल नहीं बनाने हैं, सिर्फ हम बैक बनाएंगे। तो यहाँ से पहले चार फंदे घटाऊँगी, ये उतारा, एक, दो, तीन और ये चार। चार किया आपने। अब सारे फंदे उल्टे जाएंगे क्योंकि ये हमारी उल्टी साइड है। ये देखिए यहाँ पे हम लास्ट में आ गए, इसे आपने ऐसे उतारा, पलट लीजिएगा। अब ये चार किए थे, अब यहाँ से मैं इसमें से दो फंदे करूँगी। तो एक तो आप ऐसे निकालेंगे जो मैं हमेशा बताती आई हूँ, इसी तरीके से कीजिएगा। एक स्मूथ माइंड वाइंडिंग होती है, आप ये देखेंगे, एक, दो और ये तीन। पहले चार फंदे किए, अब ये आपके तीन फंदे हो गए। अब ये सारे फंदे सेंटर डिज़ाइन तक ऐसे ही जाएंगे सीधे। अब ये देखिए यहाँ पे हम आ गए सेंटर में, यहाँ पे जो हमने डिज़ाइन डाला था, ये जो जाली दिख रही है यहाँ, इससे पहले ही हमने जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ करके इसे सीधे कीजिएगा और इन दोनों को आपने दो का एक करना है ऐसे। फिर इन दोनों को भी हमने पहले दो का एक करना है और यहाँ उसके बाद जाली डालनी है। ये जाली इसलिए डाल रहे हैं कि फंदा हमारा घटे नहीं, तो जाली डालनी है ऐसे करके और ये वाले फंदे सारे सीधे। फिर उल्टी लाइन में तीन फंदे हम बंद करेंगे। ये देखिए लास्ट में आ गए, इसे इस तरीके से उतारेंगे, पलट लीजिए। अब यहाँ से हम तीन फंदे बंद करेंगे, तो इसमें से इसे निकालेंगे, एक, फिर इसे बनाइए, दो एंड अगेन इसे बनाइए, तीन। ये देखिए अगेन सारे फंदे उल्टे। फिर से सीधी लाइन पे आ गए तो यहाँ पे हम एक फंदा घटाएंगे ऐसे। अब लास्ट में भी एक फंदा उल्टी साइड पे घटाएंगे। बाकी जैसे हम बीच में डिज़ाइन डाला है वैसे ही करेंगे। देखिएगा, चार, तीन, सात, एक, इसके बाद सिर्फ एक फंदा और घटाऊंगी। तो नौ नौ फंदे मैं दोनों तरफ से घटा रही हूँ और फ्रंट साइड में भी इसी तरीके से हम घटाएंगे। अब ये देखिए फिर से हम डिज़ाइन वाले पार्ट पे यहाँ पे आ गए। अगेन वही, इसे उतार के सीधा कीजिएगा, जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करके इन दो फंदों को आपने ऐसे दो का एक करना है। फिर इन दो फंदों को आपने ऐसे दो का एक करना है और जाली डालनी है धागा आगे करके और सारे फंदे सीधे। अगली लाइन में एक फंदा और घटाएंगे उल्टे में। अब ये देखिए फिर से आगे, ये उल्टी लाइन में आपने एक फंदा फिर से ऐसे बंद करना है। अब ये लाइन पूरी उल्टी जाएगी। अब ये देखिए इस तरीके से चार, तीन, सात और एक आठ फंदे मैंने यहाँ पे बंद किए हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये देखिए
अब ये बैक साइड जो है आपने इस तरीके से ऊपर तक अब बनाते हुए जाना है। अब मैं घटाऊंगी नहीं, अब जस्ट ये जो बीच में मैंने डिज़ाइन बताया है इसके साथ साथ जो है ऊपर तक इसे बनाते हुए जाऊंगी। ऊपर फिर हम हल्की सी गले की जो है कटिंग करेंगे। अब फ्रंट साइड में भी मैं इसी तरीके से कटिंग यहाँ से करूँगी और ये डिज़ाइन जो है सेंटर में डालूँगी। तो चलिए पहले ये बैक साइड पूरी कर लेती हूँ, फिर आपको फ्रंट साइड बताऊँगी। अब देखिए इसका फ्रंट साइड भी आपको बता दूँ, यहाँ से हमने जो है शुरू किया था और यहाँ पे बंद करके हम बैक साइड पे आए थे। अब इसे पहले इस तरीके से यहाँ से पलट के हमें यहीं पे चार फंदे बंद करने हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ दिखा दूँ कि आपको यहाँ पे गैप ना आए, इसके लिए आपने क्या करना है, ये जो पहला फंदा हमने बंद किया था ये देखिए ये उठा के आप इस पे डालिएगा इस तरीके से। तो क्या होगा कि यहाँ पे गैप नज़र नहीं आएगा इससे, और इसके साथ वाले फंदे को हमने इकट्ठे जो है बनाना है। तो देखिए ऐसे डालेंगे, ये आपने इकट्ठे बनाया, फिर एक बनाएंगे और बैक वाला उसके ऊपर से जो है डाल देंगे। ये दूसरा फंदा आपने ऐसे बनाया, ये एक, अब चार फंदे बंद करने हैं, एक ये दो, ये तीन, और ये चार। ये देखिए चार फंदे आपने इस तरीके से बंद किए हैं, ये देखिए, और ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। बंद उतने ही करने हैं हमने जितने वहाँ चार, तीन, सात और एक आठ किए, यहाँ भी वही करेंगे। चार कर दिए, अगली उल्टी लाइन में तीन करेंगे, फिर एक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी मैं सामने जो है डिज़ाइन डालूँगी, तो आप ये देखेंगे ये फंदे आपने गिनने हैं, दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पहले तो हम आठ फंदे निकालेंगे, वो चार थे ये तीन और एक। अब इसके बाद फंदे गिनूंगी, दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये 27। बीच के वही चार फंदे निकालने हैं मैंने। तो यहाँ पे मैं देखिए देख के डालना है, क्योंकि हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, दो ये तीन बंद करेंगे और ये करेंगे, तो कम से कम छह फंदे यहाँ पे रहने चाहिए जो कंधे पे जा रहे हैं, और ये चार फंदे हम लेंगे डिज़ाइन के, छह क्या सात फंदे रख देती हूँ, और दो दो चार लेंगे हम डिज़ाइन के, क्योंकि जब हम ऊपर बंद करेंगे तो हमारे गले के फंदे यहाँ भी बंद होंगे। तो ये छह छह फंदे हो गए यहाँ से, ये दो दो चार दो छः, फिर चार फंदे हो गए डिज़ाइन के, 10 हो गए, और ये दो दो चार पाँच छः 16। ऊपर जो है मैं 16 या ज़्यादा से ज़्यादा 18 फंदे रखूँगी, वैसे 16 फंदे रखूँगी मैं इस तरीके से। तो अब जो है हमें यहाँ पे उसी हिसाब से डिज़ाइन वहीं पे डालना है जो हमारा डिज़ाइन कटे ना, इसलिए सोच के चलेंगे कि किस तरीके से उसे डालेंगे। अब यहाँ से बनाते हुए जाऊँगी, देखिएगा ये एक उतारा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ये तो हमने करना ही करना है। इसके बाद यहाँ से फंदे बनेंगे। ये मैंने फंदे रखे और यहाँ पे मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे छह फंदे बचेंगे, और उससे पहले डिज़ाइन और उसके पहले जितने फंदे हमारे पास बचेंगे, इस हिसाब से मैं सोच के चल रही हूँ। तो धागा अपनी तरफ करके वही इन दो को आपने ऐसे दो का एक करना है, फिर इन दो को आपने ऐसे दो का एक करना है, और धागा आगे करके ये फंदे सीधे बनेंगे। अब फिर से बैक साइड में तीन फंदे हमारे बंद होंगे, एक ये बनाया, दो ये बनाया, तीन, ये सारे फंदे उल्टे जाएंगे। अब इसके बाद एक फंदा बंद करना है हमने।
अब फिर से देखिए, अब आप सोचोगे मैंने ये जो है डिज़ाइन यहाँ क्यों डाला, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम आगे जाकर गले को बंद करेंगे, तो इस ये डिज़ाइन हमारे कंधे पे आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। इस चीज़ को आपने काउंट करना है ज़रूर। अब चलिए फिर से वही, ये उतारा, इसके बाद एक फंदा बंद करना है, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, अगेन वो डिज़ाइन तक हमने सीधा जाना है। ये देखिए आगे ये है धागा अपनी तरफ, इसे और इसे आपने इस तरीके से दो का एक किया, फिर इन दोनों को आपने दो का एक किया, और यहाँ जाली डाली। जाली ज़रूरी है, नहीं तो फंदा कट जाएगा आपका। अब इसके नेक्स्ट हमने सिर्फ एक फंदा बंद करना है। ये उतारा, ये देखिए, ये देखिएगा आप, मैं सेंटर में दिखा दूँ, कहीं भी आपको गैप नहीं दिखेगा। ये उतारा, एक फंदा बंद किया, बस अब आपने इसे ऊपर तक बनाते हुए जाना है, जहाँ तक हम थोड़ा सा गले की कटिंग करेंगे वहाँ तक इसे बनाते हुए ऐसे ही जाना है इस डिज़ाइन को सेंटर में। इस तरीके से बन रहा है, देखिए ऐसे। ये अब ये आपने जो है बनाते हुए जाना है। अब नेक्स्ट ये जो साइड है हमारी, इसे भी आपने, ये जो साइड है इसे भी आपने इसी तरीके से 4, 3, 7 और 1 करके बंद करना है, और जहाँ पे मैंने ये डिज़ाइन डाला है वहीं पे गिन के आप जो है अपना जहाँ भी आपने डाला होगा वो डिज़ाइन डालेंगे। अब दोनों को हम जो है बैक साइड को भी ऊपर तक बनाएंगे, और इसे भी हम जो है अब ऊपर तक बनाते हुए जाएंगे। अब ये देखिए बैक का हिस्सा जो है ये 11 सेंटीमीटर इस तरीके से बन गया है, 11 सेंटीमीटर बनाया है यहाँ से। अब इसमें जो है हम गले की थोड़ी सी छांट करेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, 1.5 सेंटीमीटर के आसपास करेंगे। तो अब देखिए गले की छांट कैसे करेंगे, ये पहले बनाएंगे हम इस तरीके से। अब ये देखिए ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने दो बनाए थे, ये जो 4 फंदे रखे थे, ये वाला हमारा सेंटर पॉइंट है, तो यहीं से घूम जाऊंगी अभी फिलहाल। अब मैं इन दोनों को 2 का 1 करूंगी ऐसे, यहाँ से गला बनाना है, अगेन डालूंगी इसे वापस, फिर 2 का 1, 2, 3, 4 अब ये देखिए 6 फंदे मैंने बंद किए हैं फिलहाल, ये फंदे उल्टे बनाऊंगी और एक लाइन सीधी करूंगी, फिर उल्टी में फिर से बंद करेंगे हम फंदे। अब ये लाइन सीधी बनेगी और अगली उल्टी लाइन में फिर से हम घटाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये वाला फंदा तो ऐसे उतारूंगी क्योंकि मैंने इसे बंद करना है। अब 6 फंदे किए थे, इसको इसमें से निकालेंगे, 1 वापस लेंगे, ये 2 फिर वापस लेंगे, 3 ये देखेंगे अब इसकी एज जो है सही आती है, और ये 4 फिर वही उल्टी लाइन, पूरी उल्टी। अब देखिए अभी 3 फंदे और हैं जो मैंने करने हैं, ये 14 फंदे मैं यहाँ पे 14 या हार्डली 15 फंदे रखूँगी, ये लाइन सीधी जाएगी और ये वाला फंदा ऐसे उतरेगा। ये देखिए इस तरीके से कटिंग आई है। अब 3 फंदे करने के बाद ये देखिए, ये इसमें से निकाला, 1 वापस इस पे लोगे, ये 2 वापस लोगे, ये 3 बस ये 3 फंदे बंद कर दिए। अब हमने बंद नहीं करना है, 14 फंदे हैं, जस्ट 2 लाइन या 4 लाइन बनाऊंगी। ऐसे आया, इस तरीके से कटिंग आई है। अब जस्ट 2 या 4 लाइंस हार्डली बनाऊंगी, इसी तरीके से इस साइड भी कटिंग करूंगी बैक की। ये देखिए 4 लाइंस हार्डली बनाई है, इस तरीके से आया है ये देखिए। अब यहाँ भी आपने वैसे ही करना है, पहले 6 फिर 4 और फिर 3 इस तरीके से। इस साइड भी हम गले को वैसे ही बंद करेंगे,
ये लास्ट लाइन है मेरी इस साइड की, और आगे का भी मैं आपको बताऊंगी कि हम गला किस तरीके से घटाएंगे। देखिए इस साइड भी आपने जैसे यहाँ से बंद किया वैसे ही यहाँ भी हम इसे बंद करने के, पर एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे हम इस साइड का एक इतना सा पोर्शन लेंगे, एक इस तरीके से उठाएंगे, क्योंकि शेप आपने राउंड देनी है, इसलिए अगर आप ये नहीं उठाओगे तो यहाँ गैप आ जाएगा। अब हम इन दोनों को दो का एक करेंगे ऐसे, फिर मैं नेक्स्ट लूँगी, फिर बनाऊँगी इस तरीके से दो, ये आपका हो गया दो, एक हो गया अभी तो, फिर ये बनाया आपने, उतार दिया, चाहे तो ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, तीन चार पांच और ये छः, ये देखिए ये छः फंदे बंद करें। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे ऐसे नहीं करती तो ये सेंटर में आपका खुला रह जाता, तो यहाँ पे करना ज़रूरी है। अगेन सारे फंदे सीधे, उल्टी लाइन उल्टी बनाऊंगी, उसके बाद चार करूँगी, फिर तीन करूँगी। अब देखिए ये उल्टी लाइन पूरी कर ली मैंने, यहाँ पे ये वाला फंदा बिना बुने हुए उतारना है आपने पलट के। अब यहाँ से चार फंदे बंद करने हैं, एक ऐसे बीच में से निकाल के वापस लिया, इन दो को बनाया दो, अगेन तीन, अगेन चार, इसके बाद तीन, ये पूरी लाइन और उसके बाद उल्टी लाइन, देन तीन फंदे फिर से बंद। ये देखिए उल्टी लाइन पे ये फंदा उतारा, अब तीन फंदे बंद करने हैं आपने ऐसे सीधे में, इसमें से निकाला एक हो गया, इसे वापस लिया, ये दोनों को आपने दो का एक किया दो, और फिर से लिया तीन। अब आपने वैसे ही चार लाइंस करनी है जैसे मैंने इस साइड की थी, उसी तरीके से इसमें भी चार लाइंस करनी है, तो ये आपका हो जाएगा। अब फ्रंट साइड कर लेते हैं और फिर उसको फ्रंट साइड के साथ जो है इन शोल्डर्स को हम जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब उल्टी लाइन के करने के बाद चार लाइंस करूंगी, तो देखिए गला किस तरीके से आया है, बहुत बढ़िया तरीके से कटिंग आई है। अब आपको मैं फ्रंट साइड एक साइड बता दूं, क्योंकि फ्रंट साइड दोनों ही वैसे ही कटिंग करनी है। ये देखिए ये आपका फ्रंट साइड है, दोनों बना दिए हैं मैंने। अब कितने बनाए हैं ये बता दूं मैं आपको, ये जो है मैंने यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर बनाया है, टोटल में मुझे 14 के आसपास बनाना है, तो मैंने क्या किया है 13 या 14 बनाना है, तो 9 सेंटीमीटर यहाँ से बनाया है। अब इसके जो है गले की कटिंग हम करते हैं, देखिए कैसे गले की कटिंग, अगेन वही जैसे बैक साइड से किया था, यहां भी उतने ही फंदे तो हमने उतने ही रखने हैं जितने यहां रखे थे, ये 14 फंदे, बाकी सारे फंदे हमने बंद करने हैं। तो आपके पास बचते हैं 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 फंदे हैं, तो अगेन वही 6 फिर 4 और फिर 3, उसी तरीके से गले की कटिंग भी करूंगी। तो ये उतारा आपने ऐसे, एक ये दो, ये तीन, चार, पांच और ये छः, ये देखिए 6 फंदे कर लिए। आप सारे फंदे सीधे, फिर चार और फिर तीन, ऐसे करेंगे दोनों साइड से, इसी तरीके से करेंगे फ्रंट के। और जो ये डिज़ाइन बन रहा है वो एज इट इज़ आप बनाओगे, ये डिज़ाइन जिस तरीके से बनाया धागा आगे करके, इन दोनों को आपने दो का एक करना है, फिर दो का एक करना है और फिर धागा आगे करके फंदे बनाने हैं। अब उल्टी लाइन करने के बाद फिर से 4 फंदे बंद करूंगी। देखिए ये हो गया, ये उतारा, अब 4 फंदे, इसमें से निकाला एक फंदा हो गया, वापस लिया आपने, दोनों को बना दिया दो, फिर वापस लिया तीन, फिर वापस लिया और ये
चार, ये देखिए अगेन सारे फंदे सीधे डिजाइन जैसे बन रहा था वैसे ही बनेगा, और उल्टी लाइन करने के बाद फिर तीन करेंगे हम। ये किया 6 4, अब 3, एक निकाला आपने इसमें से, एक हो गया, फिर वापस लेंगे ये 2 का 1 किया, 2 फंदे, फिर वापस लेके 1 किया, तो 3 फंदे। अब हमारे पास यहाँ पे 14 फंदे बचे हैं, जो हमने थोड़ा ऊपर तक बनाते हुए जाना है डिज़ाइन के साथ। जितना हम शोल्डर के बैक साइड किया था वो लंबाई पूरी होने तक हमने अब इसे शोल्डर तक ऐसे ही बनाते हुए नॉर्मल जाना है। ये देखिए, ये तो देखिए इस तरीके से आया ये। अब आपने ये साइड भी इसी तरीके से करना है, 6 फिर 4 फिर 3। अभी इसमें हम सीधी लाइन जब करेंगे तो हम जब उल्टी लाइन पे आते हैं तो देखिए हमें इसमें उल्टी लाइन पे करना होता है। तो अभी यहाँ से मैं करूँगी इस तरीके से, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये पूरी लाइन उल्टी, फिर सीधी लाइन करने के बाद फिर 4 करेंगे, फिर 3 करेंगे और फिर शोल्डर तक इसे नॉर्मल बनाएंगे। अब आप अब यहां से 4 करने हैं, ये निकाला आपने, 1 2 3 4, फिर एक लाइन उल्टी सीधी, उसके बाद 3 करेंगे। और 4 हुआ, अब 3 करेंगे, ये निकाला, 1 2 और ये 3। बस अब आपने इसे शोल्डर तक जैसे डिजाइन चल रहा है वैसे बनाते हुए जाना है, और फिर बैक साइड पे हमने जो फंदे छोड़े हैं शोल्डर के उसके साथ अटैच कर देना है। अब ये जो है दोनों देखिए शोल्डर्स बराबर हो गए हैं, बैक साइड के बराबर का आ गया। तो अब हमें इन्हें जो है इस तरीके से जोड़ना है, ऐसे कीजिएगा और एक एक करके हम इसे यहाँ पे जो है जोड़ लेंगे। इस तरीके से देखिए ये जुड़ गया। अब थोड़ा सा इसके एज बनाने के लिए आपने क्या करना है मैं बता देती हूँ आपको हल्का सा। अब जो ये है, ये देखिए आप, ये आम होला है, थोड़ा सा ऐसा दिख रहा होगा आपको। अब आपने इसका एज बनाने के लिए अब देखिए जो आपने थोड़ा सा एज बनाना है उसके लिए आपको जो है एक क्रोशिया चाहिए, वूल वाली क्रोशिया लीजिएगा। जनरली हम क्रोशिया फ्रंट ऐसे सामने की तरफ चलाते हैं, यहाँ से लिया आपने फंदा ऐसे इस तरीके से बनाते हैं ऐसे, लेकिन इसमें हम उल्टी तरफ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब करना कैसे है वो देख लीजिए, ये तो आपने उंगली में पहले लपेटना है धागा। अब देखिए क्या करेंगे, ये इसमें से ये जो पहला आपको फंदा दिखता है ये लीजिएगा, इसमें से आपने निकालना है ऐसे और इसे बनाना है 1 और 1 2। अब करना क्या है, बैक जाना है, हम फ्रंट नहीं जा रहे हैं, बैक जाना है। बैक में से आपने इसमें से निकालना है, ऐसे लेना है, ये देखिए इस तरीके से, और इसे बुन देना है। फिर एक चेन बनानी है, अगेन ये देखेंगे आप बैक में जा रहे हैं, फ्रंट नहीं जा रहे हैं, हम बैक जा रहे हैं, ऐसे लिया, इससे बनाया और एक चेन बना दी। फिर बैक में गए, यहाँ पे इसमें निकाला ऐसे, दोनों को एक किया, अगेन एक चेन बनाई,
ये गए आप ऐसे, इसमें से निकाला, दो का एक किया और एक चेन बनाई। अब ये आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से बनाए, चाहे आप फिर अपने हिसाब से क्रोशिया इसमें थोड़ा सा एज बना लीजिएगा, वो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। ये किया, अब अगेन बैक ये लिया, ये देखिए दो का एक किया ऐसे, एक चेन बनाई। अब आपने ये पूरा राउंड इसी तरीके से करते हुए जाना है, तो देखिए ऐसे एज बनेगा इसका, ये जो एज दिख रहा है आपको। अब ये देखिए लास्ट में आ गए, और यहाँ पे आपने इसे जो है जस्ट बंद कर देना है, बंद करके पैक से आप इसको बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे हम इसे बैक पे बंद कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से आप जो है शोल्डर का, ऐसे गले का, शोल्डर का ये बना सकते हैं। देखेंगे आप इस तरीके से एज आया है, देखिए बहुत बढ़िया तरीके से आया है। आप चाहे तो अपने हिसाब से भी इसे बना सकते हैं। अब बाकी रही बात इसको थोड़ा सा फ्रंट में, एक तो आपने ऐसे बनाना है, ये डोरी बनानी है, एक साइड तो मैंने बना दी है, इस साइड भी आपने डोरी बनानी है। अभी मैं गले का जो है मेरा पूरा करना है, यहाँ पे गले का भी राउंड आपने करना है यहाँ तक, और उसके बाद जो है एक छोटी सी डोरी आप इसके फ्रंट में जो है बना देंगे। देखिए इस तरीके से गले में भी मैंने ऐसे बना लिया। अब आपने क्या करना है, ये जो गले में मैंने यहाँ पे पट्टी बनाई है इस तरीके से, ये कैसे बनाई है ये मैं आपको बता दूं। जो आप धागा लेंगे थोड़ा सा बड़ा छोड़िएगा, क्योंकि हमने इसे डबल करना है, दोनों तरफ छोड़ना है आपने बड़ा। अब देखिए बनाना कैसे है, इसमें लेंगे ये, और यहाँ से मैं इस तरीके से इसे ऐसे, ये क्या है, ये जो धागा है, एक चेन तो पहले ऐसे ही बनाऊंगी दोनों की इस तरीके से, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे टाइट करना है। मैंने एक चेन बनाई है आपने। अब करना क्या है, जो गोला धागे में लगा है वो आपने उंगली पे ऐसे लपेटना है, और इसे जो है ऐसे लेना है, ये देखिएगा इस तरीके से, और इसको इनमें से निकालना है, ऐसे लेना है, ध्यान से देखिएगा इस तरीके से, और गोले वाले को इसमें से निकालना है, ये लेना है और ऐसे ये लीजिएगा ऐसे। अब जितनी बड़ी चेन आपने बनानी है उतनी बड़ी चेन आप इसमें बना सकते हैं। देखिए ऐसे लेकर ऐसे, ध्यान से देखिएगा, ये जो दूसरा धागा है इसे आपने इस तरीके से लेना है, और जो गोले में लगा धागा है इसे आपने ऐसे, ये बहुत ज्यादा ढीला मत छोड़िएगा हाथ, नहीं तो ये अजीब सी हो जाएगी। देखिए बन गया। अब आपने क्या करना है, इसे छोटा सा एक यहाँ पे, ये जैसे मैंने बनाया है ये भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप अपने हिसाब से। मैं इसे ऐसे लूँगी, दोनों को निकालूंगी, देखिए अब फिर से डालूंगी इसमें, और ऐसे एक बार इसे लपेटा, या ध्यान से देखिएगा, फिर डालूंगी, फिर लूंगी, अगेन एक बार लपेटूंगी, फिर डालूंगी, और फिर जो है मैं इन सब में से एक बार में इसे धागे को निकाल दूंगी ऐसे, इस तरीके से, और फिर इसे आप ऐसे कर दीजिएगा। तो तैयार हो गया आपका देखिए, और यहाँ पे करने के बाद इसे हम बंद कर देंगे। इसमें से डालिएगा, निकालिएगा,
ये अब बस इसको आप खींच के निकाल दीजिएगा, काट के धागा, ये किया आपने, अब धागा काटिएगा। इसे निकालेंगे, अब यहाँ पे इसे जस्ट ऐसे लपेटिएगा, तो उससे क्या होगा कि ये एक तो बंद हो जाएगा इस तरीके से और थोड़ा अच्छा भी दिखेगा। ऐसे लपेटने के बाद करोशिये से जो है इसे बंद कीजिएगा। ऐसे बन गया। अब आप इसकी जगह कुछ और भी बना सकती हैं, फूल बना सकती हैं, कुछ भी बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। देखिए ये आपका जो है इस तरीके से तैयार हो गया। अब आपने डेकोरेट तो देखिए वैसे तो अपने हिसाब से करना है, फिर भी मैं एक थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये जो फिनिशिंग वर्क होते हैं ये आपने इस तरीके से करने हैं। इन्हें आप काटिएगा, बहुत छोटा काट के मत छोड़िएगा, क्योंकि वहीं से धागा निकल के जो है उधड़ जाता है। तो इससे मैं इस तरीके से आप ये देखेंगे एक एक फंदे के अंदर करोशिये से ऐसे ले जाती हूँ और उसके बाद यहाँ पे काट देती हूँ। तो वो क्या होता है कि आपका अच्छे से बंद हो जाता है, निकलता नहीं है और आपके उसको जो स्वेटर है या कुछ भी है वो उधड़ेगा नहीं। ऐसे किया आपने, देखिए दो तीन बार करके ये देखिए। तो अब ये देखिए इस तरीके से आपका जो है ये तैयार हो गया। अब आपने इसमें जो डेकोरेट करना है, वैसे तो ये तैयार हो गया है, ये देखिए ऐसे है। अब ये आप अपने हिसाब से कीजिएगा। ये जो मैंने लगाया है ये मार्केट में आपको इस तरीके से मिल जाती हैं, ये स्टिक करने वाले होते हैं, वैसे तो स्टिक ज़्यादा होते नहीं हैं, तो आप मार्केट से इस तरीके का फैब्रिक ग्लू ले सकती हैं और इनको आप इस तरीके से इसमें लगा सकती है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ लगा के। ये आपका देखिए ऐसे जैकेट तैयार हो गया। अब इसे आप बंद कीजिए यहाँ पे। ये देखिए ये हो गया। देखिए अब यहाँ पे आपने अपने हिसाब से इसे लगाना है, जैसे भी आप लगाना चाहे। तो मैं तो देखिए ये थोड़ा सा लेकर ये सेंटर में लगाया पहले मैंने ऐसे। वैसे आप फैब्रिक ग्लू से लगाइएगा, फिर ये साइड और अगेन ये साइड, ये देखिए थोड़ा सा देख के लगाइएगा अपने हिसाब से। एंड देन ये तो इस तरीके से आपने जो है इसे ऐसे लगाना है। तो देखिए बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपने कहाँ पे क्या लगाना है। जैसे मैंने तो ये इस तरीके से लगाया ऐसे, फिर मैंने यहाँ लगाया। फैब्रिक ग्लू ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो ये निकल जाएंगे। अगर खाली इनके ग्लू से आप सोचेंगे कि ये चिपक जाएंगे तो ऐसा नहीं है, आपको फैब्रिक ग्लू जो है इसमें लगाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपने जस्ट इसको ओपन करना है और इसे हल्का सा उठाइएगा ऐसे नीचे और हल्का सा ये लगा के देखिए, और इसे ऐसे ऊपर कोई हैवी चीज़ रख दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है इस तरीके से चिपक जाएंगे। देखो सारे, ये देखिए ऐसे ये किया। तो देखिए इस तरीके से आपका जो है ये स्कर्ट के ऊपर का टॉप कह लीजिए, जैकेट कह लीजिए, टॉप तो नहीं कहूंगी, जैकेट ही है ये। इस तरीके से आपका ये तैयार हो गया। देखिए तो आपकी जो स्कर्ट है ये देखिए इसके साथ का जो है ये तैयार हो गया। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।